हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक टॉक्स में। आज 5 मिनट के अंदर अंदर जानेंगे टेक वर्ल्ड से जुड़ी सभी काम की बातें। जैसे गूगल ने नए टैपेबल शॉर्टकट्स लॉन्च किए हैं, तो क्या है इसके यूज? एक्सट्रीमिस्ट लोग जो कि ट्विटर पर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए ट्विटर क्या कर रहा है? मोटो जी ब्लू सफायर की लीक पिक्स और एयर ट्रैवल में किस किस का लैपटॉप बैन कर दिया गया है? तो टाइम वेस्ट क्यों करना, सीधे चलते हैं टेक टॉक्स में। सबसे पहले बात करते हैं गूगल के टैपेबल्स की। अब ये क्या बला है? अभी गूगल पर हम बहुत सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली सर्च करते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड न्यूज़, टेक न्यूज़, वेदर, आसपास के होटल्स, करेंसी कन्वर्टर्स, द कपिल शर्मा शो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे सर्च तो बहुत कुछ करते हैं। खैर, गूगल ने सोचा कि क्यों ना इन सब चीज़ों का एक शॉर्टकट ही बना दिया जाए, ताकि सिंगल टैप में आपको इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर मिल जाए। अब आप एक ही सिंगल टैप से आप पता कर सकते हैं कि क्या न्यूज़ चल रही है बॉलीवुड में, कौन कौन सी मूवी रिलीज हो रही है आपके पास वाले थिएटर में, और क्या है लेटेस्ट मूवी का ट्रेलर। बट जैसे कि गूगल को एक छोटी सी बीमारी है कि सबसे पहले जो भी नया फीचर आता है वो लॉन्च होता है US और UK में, तो इसी तरह ये फीचर भी लॉन्च हुआ है US और UK में। तो क्या कर सकते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपको गुस्सा आता है? मुझे तो आता है, हम सबको गुस्सा आता है। लेकिन रीसेंट टाइम से अभी के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ है कि जैसे ही किसी को गुस्सा आता है तो वे सबसे पहले जाते हैं सोशल मीडिया पर और निकालते हैं वहाँ पर अपनी भड़ास। वेल, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को एज ए भड़ास निकालने का प्लेटफॉर्म बना लिया है और अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तो ट्विटर ने आज खुलासा किया है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से हेट, टेररिज्म और एक्सट्रीमिस्ट पोस्ट डालने वाले अकाउंट्स को ट्विटर से कर दिया है बैन। वेल, फ्रीडम के नाम पे बहुत कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है और फैलाया भी जाता है, बट अभी सेंसिटिव कंटेंट्स वाले अकाउंट्स पर पैनी नजर है ट्विटर की। क्या आप ट्रैवल करते हुए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को ले जाना पसंद करते हैं? क्या आप रिसेंटली US या UK का ट्रिप मारने के चक्कर में हैं? तो शुक्र मनाइए कि आप इंडिया में हैं, क्योंकि US और UK ने टर्की, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की कुछ 9 एयरलाइंस को बोला है कि लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस केबिन लगेज में अलाउड नहीं है और उन्हें ये लगेज उनके होल्ड लगेज में ही रखना पड़ेगा। अभी ट्रंप साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो उठा पटक होगी ही। दरअसल US ऑफिशियल्स को इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि टेररिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनोवेटिव तरीके खोज रहे हैं अटैक करने के, और उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ईजी टारगेट है ये सब करने के लिए। सही है यार, इनोवेशन की तो हद हो गई। हाल ही में लॉन्च चकाचक फोन मोटो जी लॉन्च हुआ था ग्रे और गोल्ड कलर में और MWC, जिसका मतलब है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कहा गया था कि एक और वेरिएंट सफायर ब्लू कलर में भी देखने को मिल सकता है। तो ये हैं इसकी लीक पिक्स जो कि ट्विटर से लीक हुई हैं। हालांकि मोटो जी 32 GB के वेरिएंट में लॉन्च हो चुका है और एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है 17,000 के अराउंड में। बट ये तो तय है, ये जो ब्लू कलर का वेरिएंट है इसकी लुक कतई धांसू है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये टेक टॉक सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर करके भला कीजिए अपने 2-4 दोस्तों का। टेक बाबा की वाइंस की अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगा, और बाकी तो सब मोह माया है।